छठ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसे मानने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता छठी और सूर्य देव पूरे वर्ष आपको खुश और समृद्ध रखते हैं। बता दें कि छठ पूजा बेहद ही कठिन मानी जाती है। ये 4 दिवसीय पर्व होता है। इसके पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम को सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और उसके अगले दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। बता दें कि इसमें 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं, जिसे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं। चौथे दिन व्रती पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ पूजा का समापन होता है, फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का मुहूर्त क्या है। बता दें कि सूर्य देव को अर्घ देने का जो समय है वो सुबह 6:31 पर है। पारण में व्रती महिलाएं और पुरुष अर्चना के बाद पूरे विधि विधान के साथ अपना व्रत खोलते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और गोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।